वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट के होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइल मेन्यू को समझा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो मिस कर दिया है, उसका भी लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप, जो कि आपका होम टैब का पहला ग्रुप है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट, लेकिन ये कोई भी हाईलाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तब तक काम नहीं करते जब तक आप कोई भी पार्ट सिलेक्ट नहीं करते हैं, है ना। चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो चार्ट हो, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तब तक ये ऑप्शन आपके डिसेबल रहते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए फॉर्मेट प्रिंटर आपका इनेबल हो गया है ना। और सपोज आप यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और यहां पर आप लिख लेते हैं होम टैब, ठीक है। और अब आपने सपोज इसी के आगे लिख लिया क्लिपबोर्ड ग्रुप, अब देखिए, अब आपको लगा कि बहुत घिचपिच हो गई है, तो आप चाहते थे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप को सब टाइटल में डाल दें, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो आपने शिफ्ट प्रेस करा और कर्सर हमारा राइट साइड में था, तो हमने लेफ्ट एरो प्रेस करा और ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप सिलेक्ट हो गया। अब देखिए, ये आपके कट और कॉपी दोनों हाईलाइट हो गए, ठीक है। अब आप बताइए, आपको कट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है कि कॉपी ऑपरेशन? आप क्लिपबोर्ड ग्रुप को यहां से हटाना चाहते हैं ना और दूसरी जगह चिपकाना चाहते हैं, तो यानी कि आप यहां से कट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना, तभी वो चीज़ यहाँ से कट हो जाएगी और आप दूसरी जगह जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कॉपी किया तो क्या होगा, उस केस में क्लिपबोर्ड ग्रुप आपका यहाँ पर भी बना रहेगा और जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कट करने की, तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर कट करके अब यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर सपोज आपने एक नई स्लाइड इंसर्ट कर ली कंट्रोल एम से, फिर अब आप चाहते थे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप आपका नेक्स्ट स्लाइड में भी लिख के आए, तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, है ना, और अब आपने कॉपी क्लिक किया और अब आपने यहाँ पर इसके टाइटल में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देखिए, आप चाहें तो ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है, या फिर आप कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, है ना, वैन यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके आपने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, ठीक है। अब आप जब तक कंट्रोल वी प्रेस करते रहेंगे आपको वही सेम पेस्ट करता रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं, अंडू। और अगर कोई चीज़ कट करना चाहते हैं, सपोज आप इस ग्रुप को कट करना चाहते थे, ठीक है, तो आपने इस ग्रुप को सिलेक्ट करा और कंट्रोल एक्स प्रेस कर दिया, कट हो गया। अब आप जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहें वहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। केवल टेक्स्ट ही नहीं, आप कोई और चीज़ भी अगर इस पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे या कट करके पेस्ट करेंगे तो वो भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। सपोज हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये पिक्चर यहाँ पर ना रहे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने कंट्रोल एक्स कर लिया, यहाँ से कट हो गई। अब हम दूसरी स्लाइड इंसर्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। अगर कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कंट्रोल सी कर लीजिए और दूसरी स्लाइड पर भी ले जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी कर दीजिए। तो देखिए, दोनों स्लाइड पर आपका सेम पिक्चर आ गई, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप टेक्स्ट को ही कट कॉपी कर सकते हैं, आप इमेज को, चार्ट को या जिसको भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहें आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यहीं पर हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप पूरी स्लाइड का मैटर कॉपी करके दूसरी स्लाइड पर पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या करें, पूरा मैटर सिलेक्ट करें, फिर पिक्चर को सिलेक्ट करें, फिर जो भी आपने टाइटल में दिया उसको सिलेक्ट करें, फिर कॉपी करें, फिर दूसरी स्लाइड पर ले जाके पेस्ट करें,
इतना मेहनत करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप देखेंगे डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है ना, या जिस भी स्लाइड की आप डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक कर दें। तो देखिए आपकी ये डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी, है ना। आपको उतना सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर की। तो सपोज़ यहाँ पर आपने क्या करा है कि इस क्लिपबोर्ड ग्रुप को सिलेक्ट करा सपोज़, और आपने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, सपोज़ इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर, अंडरलाइन कर लिया, कलर इसका बदल दिया, है ना, या फॉन्ट साइज़ और बढ़ा लिया घटा लिया, जो भी आपने कर लिया, है ना। अब आप यही सेम फॉर्मेटिंग दूसरी स्लाइड पर भी लगाना चाहते थे या इसी स्लाइड पर करना चाहते थे, तो आप क्या करेंगे उस केस में, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जिस पर भी ले जाके क्लिक कर देंगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यही सेम फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो गई। और अगर यही काम आप मल्टीपल प्लेसेस पर करना चाहते हैं, तो हमने जैसा कि आपको वर्ड में भी बताया, एक्सेल में भी बताया, तब आप फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपका वही सेम फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, देख रहे हैं। इवन दूसरी स्लाइड पर ले जाके भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, देख रहे हैं, है ना। तो ये होता है, और जब आपका काम फिनिश हो जाए आप फिर से फॉर्मेट पेंटर पर जाकर क्लिक कर दीजिए। अभी हमने आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन बताया, आप उसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। कॉपी में आपका दो ऑप्शन आते हैं, कॉपी और डुप्लीकेट, है ना, तो आप यहाँ से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लाइड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।